अस्सलाम वालेकुम, 47 न्यूज के साथ मैं हुस्मीरा अली पेश करते हैं आज की हेडलाइंस। लाहौर में नवाज शरीफ हसन और हुसैन नवाज की आज नैब में पेशी मुतवक्के। नैब लाहौर में मामूल के केसेस पर कार्रवाई भी रोक दी गई। इसहाक तार और तारिक शफी को भी आज तलब किया गया है। खानेवाल में मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के कारकुनों में तसादुम। नून लीग का कारकुन जाम बहक और पीटीआई के 13 कारकुनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। लापता शख्स राना बिलावल जख्मी हालत में घर के बाहर से मिल गया। पिशावर में डेंगू से मुतासर अफराद की तादाद में मुसलसल इजाफा। मर्ज तहकार से निकलकर पश्तखरा और मलहिका इलाकों तक फैल गया। डेंगू मरीजों की तादाद 700 से भी तजावज कर गई। 130 अफराद शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज। कराची में इस्तेदाद पोलियो और खसरा मुहिम का आगाज कर दिया गया। इस्तेदाद पोलियो और खसरा मुहिम 26 अगस्त तक जारी रहेगी। रजाकारों की सिक्योरिटी के लिए पुलिस और रेंजर्स की खिदमात हासिल कर ली गयी। इलेक्शन कमीशन बलूचिस्तान में 30 अफराद के तबादले। 6 रीजनल इलेक्शन कमिश्नर और 20 डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर्स का तबादला कर दिया गया। सुबह इलेक्शन कमीशन के 4 दिग्गर अफसरान का भी तबादला कर दिया गया। कराची में निजी स्कूलों की फीसों में इजाफा, वालदेन का मुजाहिरा। वालदेन ने निजी स्कूलों की इंतजामिया से इजाफा वापस लेने का मुतालबा किया। ईद उल अज़हा करीब आते ही शहरों में मवेशी मंडियां लगने लगी। दही इलाकों से जानवरों की शहरों में मुंतकली जारी। खबरों तफसीलात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट live47news.com।